देते भी हो आप लोग, ठीक, तो कंटिन्यू करते हैं अपनी क्लास को, ठीक है। चलिए, तो आपको पता है नंबर सिस्टम कर रहे थे, और लास्ट दो क्लास से, मतलब इस वीक हम लोग रिवीजन स्टार्ट किया था हम लोगों ने। तो अब तक दो क्लास आपकी रिवीजन की हो चुकी है। लास्ट क्लास में हम लोगों ने रिवीजन में क्या किया, कुछ वर्ड प्रॉब्लम थे। अब वर्ड प्रॉब्लम क्या होता है, वर्ड प्रॉब्लम सिंपली बोलोगे सर एक क्वेश्चन लिखा रहता है, मतलब एक लैंग्वेज के फॉर्म में, एक स्टेटमेंट के फॉर्म में क्वेश्चन दिया रहेगा, और उसको पढ़कर आपको डिसाइड करना होता है कि वहां पर एडिशन करेंगे, सब्ट्रैक्शन करेंगे, मल्टीप्लिकेशन करेंगे, डिवीजन करेंगे, ठीक है। तो लास्ट क्लास में काफी सारे क्वेश्चन आपको करवाए गए थे, काफी सारे कंसेप्ट सिखाया था, तो उसी पे आधारित आज कंसेप्ट के पहले मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, ठीक है। पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, ठीक है। तो ये चीज हम लोग लास्ट क्लास में पढ़ाए, पहला क्वेश्चन है आज के सामने, ट्राई कीजिएगा पोल सेक्शन में आंसर करने की, ठीक है। उसके बाद कुछ नया पढ़ेंगे। क्वेश्चन में बोला गया है एक फैक्ट्री या किसी कंपनी की एक फैक्ट्री होगी जो एक महीने में 4532 बल्ब उत्पादन करती है। उत्पादन मतलब प्रोड्यूस करती है, और प्रोड्यूस करने का मतलब बनाती है, मतलब ऐसा समझना कि एक महीना में, एक मंथ में वो जो कंपनी है 4532 4532 बल्ब बनाती है, ऐसे समझना। तो आपसे पूछा जा रहा है कि इसका वार्षिक उत्पादन कितना होगा, मतलब आपसे पूछा जा रहा है कि एक वर्ष में कितना बल्ब बनाएगी, ठीक है। चल, तो अभी पोल आपको दिख जाएगा, क्वेश्चन 15 है, एक वर्ष में कितना बनाएगा। आप देखो 4532 से ज्यादा बनाएगा या कम बनाएगा, एक ट्रिक बताया था, ठीक है। तो अगर एक महीना में अगर 4532 है, तो एक साल में कितना बनाएगा, इससे ज्यादा या कम, गुना करोगे, डिवाइड करोगे, जोड़ोगे, घटाओगे, ठीक है। जब भी वर्ड प्रॉब्लम आता है ना, पहले आप ये डिसाइड कर लो कि यहाँ पर गुना करना है, भाग करना है, जोड़ना है, घटाना है। इतना अगर डिसाइड कर लोगे तो आधा क्वेश्चन वहीं पे खत्म हो गया। उसके बाद जोड़ घटाओ गुना भाग तो आप कर ही लोगे, ठीक है। बेसिक कैलकुलेशन मिस्टेक मत करो बस, ठीक है। बेसिक कैलकुलेशन जो होता है वो तो आपको मैथमेटिक्स कर रहे हो तो कैलकुलेशन करना पड़ेगा, गुना भाग जोड़ घटाओ, ये सारी चीजें तो सारे कोई भी चैप्टर पढ़ोगे वहां पर करना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी तक जितने आंसर आए हैं सभी आंसर सही आए, वेरी गुड, सभी लोग करते रहिए आंसर, कॉपी पर सॉल्व कीजिए, पोल सेक्शन में आंसर कीजिए। जैसे ही सभी का होगा फिर मैं आगे बढ़ूंगा, ठीक है, कोई भी बैठा नहीं रहेगा। ठीक है, इसमें मल्टीप्लिकेशन में टाइम लग रहा होगा, अभी रुकते हैं, ठीक है। और जिनका हो गया बस थोड़ी देर वेट करते हैं, क्योंकि अभी कुछ बच्चे हो जिसका आंसर नहीं आया है। अभी 8 स्टूडेंट हो, काफी सारे हो, ठीक है, तो सभी का होगा फिर डिस्कस करते हैं। अभी 5 और हो तो 20 सेकंड लेते हैं, 20 सेकंड और। सर हमारा एक और एग्जाम होगा। कौन सा एग्जाम, सैट एग्जाम है ना, सैट एग्जाम 1 अगस्त से है आपका। नहीं सर मैम दूसरा बताई थी, बुनियाद का एग्जाम होगा 9th के बच्चों के लिए, उसमें 6 से 8 तक का है ना, मैथ और साइंस आएगा। इसके बारे में क्लास के बाद बात करते हैं, ठीक है, इसके बारे में क्लास के बाद, रुक जाना एक बार, ठीक है। अवंती की तरफ से एक पेपर होगा आपका, उसके लिए आपको बता दी जाएगी, मैं ही बता दूंगा, या फिर आपके स्कूल के ग्रुप में आ जाएगा, व्हाट्सएप पे आ जाएगा। और ये जो एग्जाम की बात कर रहे हो उसके बारे में क्लास के एंड में एक बार बात करते हैं। चलो, तो अभी 10 सेकंड और रुकते हैं, लास्ट 10 सेकंड, अभी भी नहीं हुआ तो करिए, अभी ज्यादा समय नहीं है। 5 सेकंड और, 5 4 3 2 1। चलिए, अब मैं एंड कर रहा हूं। अभी देखो आपका चैट सेक्शन ओपन है, अगर कोई बच्चा पोल सेक्शन में नहीं कर पाया हो तो आंसर कर सकते हो। अच्छा, कोई ऐसा बच्चा हो क्या जो पहली बार क्लास कर रहे हो, मुझे कुछ नए आईडी दिख रहे हैं, आईडी नहीं है कोई स्टूडेंट नया, अगर कोई नया स्टूडेंट हो तो बताइए, जिसको पोल के बारे में नहीं पता, कोई भी ऐसा है क्या? नहीं, ठीक है, तो अगर पहली बार क्लास नहीं कर रहे हो तो पोल सेक्शन के बारे में पता ही होगा। चलो ठीक है, इसको डिस्कस करते हैं। आपने क्या बोला, एक महीने में अगर 4532 बल्ब है
तो मुझे बताइए एक वर्ष में कितना बल्ब होगा। तो एक वर्ष में 4532 बल्ब से ज्यादा होगा, यानी आपसे पूछा जा रहा है 12 मंथ की उत्पादन, 12 मंथ में कितना बल्ब प्रोड्यूस होगा। तो यहाँ आप क्या करोगे, आप बोलोगे 4 5, हाँ 4532 को 12 से गुना कर देंगे, ठीक है, 4532 को 12 से मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर रेडी हो जाएगा। अब ये बेसिक सा कैलकुलेशन है, इसको आपको सॉल्व करना ही होगा खुद से, तो इसको मैं यहाँ पर गुना कर दे रहा हूँ साइड में, 4532 × 12। अच्छा सभी के आंसर सही थे, मुझे एक या दो बच्चे के आंसर गलत दिख रहे थे, बाकी सभी का सही था। अब बोलोगे सर इसको 2 से गुना करो ऊपर वाले सभी नंबर से, 2 × 2 = 4, 2 × 3 = 6, 2 × 5 = 10, 0 = 1, 2 × 4 = 8, 1 = 9, ठीक है। यहाँ पर क्रॉस बने को बनाओगे, 1 को सभी नंबर से गुना करोगे, 1 × 2 = 2, 1 × 3 = 3, 1 × 5 = 5 और 1 × 4 = 4, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने इस तरीके से गुना किया, अब इन दोनों नंबर को आप ऐड कर दोगे, तो यहाँ पर लिखोगे 4 × 6 = 2 = 8, यहाँ पर 3 × 9 = 14 = 4 = 1 = 4 = 5, तो 5 4 3 8 4, मतलब इतना बल्ब प्रोड्यूस होगा एक साल में, इतना क्लियर है, एक वर्षों में 54384 बल्ब बनेंगे। तो सीधे सीधे क्या किया इस क्वेश्चन में, गुना किया, इतना क्लियर है, यस सर, इतना क्लियर है। यस अच्छा सर, गरिमा साक्षी कह रहे हो, गरिमा आप गरिमा कोई फर्स्ट क्लास कर रहे हो क्या आप, यस सर, ठीक है। तो पोल सेक्शन के बारे में आपको पता है, पोल में कैसे आंसर करते हैं, चलो मैं एक बार समझा दे रहा हूँ, क्योंकि मुझे आज कुछ बच्चे दिख रहे हो जो नए दिख रहे हो, ठीक है। चलो देखो जब भी मैं क्वेश्चन पूछूंगा ना, तो जिस वक्त भी इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा, अभी काफी सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो उस वक्त आपका चैट सेक्शन बंद हो जाएगा। अभी आपने क्लास किया तो आपने देखा भी होगा कि चैट में आप कुछ लिख नहीं पा रहे होगे, तो ऐसा कब होगा, जब भी मैं बोलूंगा कि चलो सभी बच्चे पोल सेक्शन में जाकर आंसर दें। अब पोल में आंसर कैसे करोगे, आपको क्या करना है, इस 3 डॉट पर क्लिक करोगे नीचे में जो आपको दिख रहा है, ठीक है। इस 3 डॉट पर क्लिक करते ही आपका सेकंड वाला इंटरफेस खुलेगा, और इस इंटरफेस में आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा, नीचे में एक्टिविटी का एक ऑप्शन आता है, एक्टिविटी पे क्लिक करते के साथ तीसरा ऑप्शन खुलेगा, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखेगा वन पोल एक्टिव, इसको कोई मतलब नहीं है, फालतू का है, आपका कोई काम का नहीं है, यहाँ पर क्लिक करोगे वन पोल एक्टिव पे, ठीक है, ऊपर में क्लिक करोगे, यहाँ पर क्लिक करते ही आपका ये चौथा वाला इंटरफेस खुलेगा, यहाँ पर एक क्वेश्चन का नंबर दिखेगा और 4 ऑप्शन दिखेंगे, तो जो भी आपको सही लग रहा है ए बी सी डी में उसको आंसर करोगे आप। अच्छा कॉपी में लिख लेना आपका आंसर, क्योंकि यहाँ पर आपको कोई क्वेश्चन नहीं दिखेगा, ऑप्शन नहीं दिखेगा, बस ए बी सी डी दिखेगा, ठीक है। तो कॉपी में लिख लेना अपना आंसर जो भी है, उसके बाद ए बी सी डी में जो भी सही लग रहा है क्लिक करने के बाद इस वोट पर क्लिक करोगे, ये वोटेड लिखा हुआ आ रहा है, इसका मतलब आपका आंसर सबमिट हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ पर भी क्लिक करना है, ये ब्लू कलर का हो जाता है, उसके बाद क्लिक करोगे तो आंसर सबमिट हो जाएगा, उसके बाद फिर से बैक करोगे यहाँ पर आ जाओगे, क्लियर हुआ, अब आंसर कर लोगे पोल में, ठीक है। तो अभी कंटिन्यू करते हैं, चलो तो ये तो हो गया था हमारा, इस क्वेश्चन का आंसर हमारा 54384 होगा, पहला ऑप्शन नंबर ए। अभी हम लोग डिवीजन का करते हैं कुछ क्वेश्चन, जैसे कि यहाँ पर एक क्वेश्चन दिख रहा है, यदि 480 टॉफियों को 12 बच्चों में बराबर बराबर बांटी जाए तो प्रत्येक को कितनी टॉफी मिलेगी। अब यहाँ पर देखो इस पूरे क्वेश्चन में एक बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है बराबर बराबर, इसको इग्नोर नहीं करना, ये इक्वल। तो कभी आपको अगर क्वेश्चन को रीड करो, रीड करने के साथ आपको एक सेंस इस टाइप का दिखता है कि किसी गिवन क्वांटिटी को इक्वल पार्ट्स में, इक्वल पार्ट्स में बांटना है, ठीक है। तो बांटने कहने का मतलब क्या होता है, आप वहां पर भाग दोगे, ठीक है। तो आप उसको क्या करोगे, ये डिवीजन का केस है, वहां पर आप क्या करोगे, डिवाइड करोगे, भाग दोगे, ऐसे भी समझ सकते हो। बांटने का मतलब क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट करना, किसी भी चीज को डिस्ट्रीब्यूट करना कुछ पर्सन में, डिस्ट्रीब्यूट करने का मतलब डिवाइड करना, लोगों में बांटना, ठीक है। तो आप बोलोगे सर यहाँ पर डिवीजन करेंगे, भाग लगाएंगे। दूसरा ऐसे भी समझ सकते हो कि 480 टॉफी टोटल है, 12 बच्चे हैं, तो हर एक बच्चे को अगर मैं पूछूं तो हर एक बच्चे को 480 से ज्यादा मिलेगा कि 480 से कम मिलेगा, 480 से कम मिलेगा, नेचुरल सी बात है, एक बच्चे को 480 नहीं मिल सकते क्योंकि 12 बच्चों में उसको बांटना है। तो ऐसे केस में आप डिवाइड कर देते हो। तो पहले हम लोगों ने स्टेप वन में बस इतना डिसाइड कर लिया कि ऐसे क्वेश्चन में हम लोगों ने डिवाइड करना है, भाग देना है, ठीक है। तो आप इस तरीके से लिखोगे, इसको मैं मिटा रहा हूं, आप लिखोगे सर अगर 12 बच्चों को, 12 बच्चों में अगर आपको
480 टॉफी को डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो एक बच्चे को कितना मिलेगा? एक बच्चे को मिलेगा 480 बटा 12, मतलब 480 को 12 से भाग लगा दो। तो आप 12 से भाग लगाओगे 480 में, काफी आसान सा है। अब देखो ये डिवीजन तो आपको पता है, आपको पता है, कर लोगे आप। बस यहाँ पर आपको समझना था, यहाँ पर करेंगे डिवीजन, ठीक है। तो 12 चौके 48, ये कट गया हमारा, एक जीरो नीचे से बचता दिख रहा है, तो आप बोलोगे सर यहाँ पर जीरो लगा के काट देंगे। तो आप बोलोगे सर प्रत्येक बच्चे को 40 टॉफी मिलेगा, इतना क्लियर है? तो आप बोलोगे सर प्रत्येक स्टूडेंट को कितना मिलेगा? 40 टॉफी मिलेगा, इतना क्लियर? बस यस सर। चलिए, यस तो बिल्कुल सर। इसी से मिलता जुलता मैं क्वेश्चन पूछूं, ठीक। तो यस सर। क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन को पढ़िए, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन दिख रहा होगा, अभी मैं इसको समझा दे रहा हूँ, ठीक है। देखो अभी चैट में कुछ नहीं लिख पाओगे। बोला गया यदि एक स्कूल में 20 कमरे हैं, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, मतलब टोटल वहां कितने छात्र हैं, 4340 छात्र हैं। प्रत्येक कमरे में, यानी प्रत्येक सेक्शन कह सकते हो, प्रत्येक रूम कह सकते हो, हर एक रूम में छात्रों की संख्या बराबर है। देखो ये बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड लिखा गया है कि ईच रूम्स आर इक्वल, ठीक है, नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ईच रूम्स आर इक्वल, मतलब हर कमरे में स्टूडेंट जो है बराबर बराबर है। तो आपसे पूछा जा रहा है प्रत्येक कमरा, मतलब एक कमरे में छात्रों की संख्या कितनी है, ठीक है। ट्राई करोगे, पहले तो आप यहाँ पर डिसाइड कर लो कि यहाँ पर आप क्या करोगे, जोड़ घटाओ गुना या भाग। आप इसको थोड़ा चेंज करके ऐसे लिख सकते हो सर 20 कमरे में, 20 रूम में अगर हमारे पास 4340 छात्र हैं या बच्चे हैं, तो मुझे बताइए एक कमरे की अगर आपसे बात पूछी जाए तो आप क्या करोगे, एक कमरे में कितने स्टूडेंट होंगे? ठीक, देखिए क्या आंसर आने वाला है। बेसिक कैलकुलेशन आप सही करो, आंसर आ जाएगा। पहले आप डिसाइड कर लो, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, वर्ड प्रॉब्लम में सीधे सीधे कभी भी आपको लिख कर नहीं देगा, पहले आप डिसाइड कीजिए, ठीक है। तो काफी बच्चों का हैंड रेज दिख रहा है, मतलब आपका सॉल्व हो गया। अच्छा यहाँ पर कैलकुलेशन मिस्टेक दिख रही है कुछ बच्चों का मुझे, तो टेबल सही सही पढ़िए, ठीक है। अब 20 का टेबल तो बहुत आसान है, 2 का टेबल अगर आपको पता है तो 20 का भी टेबल याद है, 2 के टेबल में जीरो लगाते जाओ आखिरी में, 20 का टेबल रेडी हो जाएगा। सर इस क्वेश्चन का पोल ऑन है ना? हाँ पोल अभी दिख रहा है, पोल में काफी बच्चों ने आंसर भी कर दिया है, करिए जाकर आंसर अगर सॉल्व हो गया है तो। अच्छा अभी तक जितने आंसर आए हैं उसमें एक आंसर गलत दिख रहा है, बाकी सारे आंसर गलत सही दिख रहे हैं, सॉरी, तो एक गलत बाकी सारों का सही है। लेकिन टोटल मुझे दिख रहा है अभी 20 बच्चे हो, तो 8 बच्चे का आंसर अभी नहीं आया है, 8 का नहीं आया है, सिर्फ 12 बच्चों का आंसर आया है। तो 15 सेकंड रुकते हैं अभी, 15 सेकंड, अगर और समय चाहिए तो बता देना, ठीक है। अभी काफी सारे आंसर आए, ठीक है। 3 बच्चे और जिसका आंसर नहीं आया है, 3 और हो, तो 10 सेकंड रुकते हैं अभी, और 2 बच्चे का आंसर गलत हुआ है। ऐसे गलत नहीं होना चाहिए, अगर गलती हो रही है तो 2 रीजन से हो सकता है, या तो आपने हड़बड़ी में गलती कुछ को क्लिक कर दिया, या फिर कैलकुलेशन में कुछ एरर कर रहे हो, कंसेप्ट में कुछ एरर है, तो जब मैं समझाऊंगा तो पूछ लेना। 5 सेकंड और, 5 4 3 2 1, चलिए अब इसको एंड करते हैं। यहां समझिए, देखो अभी चैट ओपन है, तो चैट में आप आंसर कर सकते हो। तो यहां पर बोलोगे सर क्वेश्चन को पढ़ा, पहले क्वेश्चन को पढ़कर मुझे साफ दिख रहा है कि यहां पर 20 कमरे में 4340 बच्चे, मतलब यहां क्लियर हो रहा है कि आपको कि 4340 बच्चे को 20 रूम में बराबर बराबर बांटना है, ये लैंग्वेज समझ में आ रहा है, 4340 बच्चों को 20 कमरे में बराबर बराबर बांटने की बात की जा रही है। और बांटने का मतलब क्या समझाया, बांटने का मतलब डिवाइड करना, तो आप बोलो सर यहाँ पर डिवाइड करेंगे भाग देंगे, तो सीधे सीधे बोलोगे सर 20 कमरे में अगर 4340 बच्चे हैं तो एक कमरे में, यानी प्रत्येक कमरे में कितने बच्चे होंगे, तो प्रत्येक कमरे में 4340 बटा
20 लिखोगे, ठीक है। तो या तो आप 20 से भाग लगा दो 4,340 को, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो, इस जीरो को मैं जीरो से कैंसिल कर दिया, ठीक है। अब मुझे क्या दिख रहा है, 434 बटा दो, तो दो से भाग लगा दो, दो से भाग लगा दो 434 को, देखो कितना आ रहा है, दो एकम दो, ठीक है। सॉरी, दो दूनी चार, सॉरी आप बोलोगे सर दो दूनी चार, ये चार में से चार कट गया, आगे हमारा तीन आया, आप बोलोगे सर दो एकम दो, तीन में से दो गया एक, ऊपर से 14 आया, इसको मैं थोड़ा ऊपर कर दे रहा हूँ, ठीक है। आप बोलोगे सर दो सत्ते 34, दो सत्ते 14, क्लियर है ये, तो 217 दिख रहा है, आपने भाग लगाया आपको मिला 217, मतलब हमें दिख रहा है कि प्रत्येक कमरे में 217 बच्चे होंगे, क्लियर, इतना क्लियर है। अच्छा, यहाँ पर आप 20 से भी भाग लगा सकते थे, चलो इसको मैं कर दे रहा हूँ, आप ऐसे भी कर सकते थे, 20 को आपने अगर भाग लगाया, कंफ्यूज नहीं होना है, कि अगर मैं ऐसे कर दूँ तो बिल्कुल ऐसे भी करोगे सेम आएगा, देखो 20 को 2 से गुना कर दो 40 आएगा, ठीक है। 43 में से 40 घटाओगे तो यहाँ पर 3 मिलेगा, ऊपर से एक नंबर आया 4, ठीक है। अब बोलोगे सर 20 एकम फिर से लगाएंगे, 20 एकम 20, 34 में से 20 घटाया तो यहाँ पर 14 मिला, ऊपर से 0 आया, आप बोलोगे सर 7 जा 140, इतना क्लियर है। तो यहाँ से भी 217 आ रहा है, बताइए ये क्लियर है, यस सर, ठीक है। तो आंसर कितना आया, ऑप्शन नंबर सी, मतलब हर एक कमरे में 217 बच्चे होंगे, बताइए इतना क्लियर है, ठीक है। इसका एक ट्रिक भी कह सकते हो ना, कि हर एक कमरे में 4,340 से कम ही बच्चे होंगे, कम होंगे तो यहाँ पर डिवाइड करने का केस है, ठीक है, वैसे भी याद करने के लिए ट्रिक कह सकता हो, ठीक है। तो अभी आगे बढ़ते हैं नए कंसेप्ट पे, तो आज हमें क्या पढ़ना है, तो आज का जो पहला नया टॉपिक है, पूर्णांकों पर संक्रिया। अब संक्रिया जब भी आता है, मैं आपको कहता हूँ संक्रिया ऑपरेशन मतलब जोड़ घटाओ गुना भाग, बेसिक कैलकुलेशन में जो ऑपरेशंस यूज करते हो, जो मैथमेटिकल टूल्स यूज करते हैं फॉर कैलकुलेशन, उसे ही ऑपरेशंस कहते हैं, उसे संक्रिया कहते हैं, जोड़ घटाओ गुना भाग। इंटीजर का मतलब क्या हुआ, इंटीजर कहोगे सर अभी तक जो हम लोग जोड़ घटाओ गुना भाग कर रहे थे उसमें सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव नंबर आ रहे थे, मतलब हम लोग नेचुरल नंबर एंड होल नंबर की बातें कर रहे थे, नेचुरल नंबर पर संक्रिया और होल नंबर पर संक्रिया, पूर्ण संख्या और प्राकृतिक संख्याओं को जोड़ रहे थे घटा रहे थे गुना किया या भागा किया। अभी आपको इंटीजर की बात की जा रही है, तो इंटीजर में जब भी मैं पूर्णांकों की बात करूं तो पूर्णांकों में तीन टाइप के नंबर आ जाते हैं, बोलोगे सर पॉजिटिव नंबर भी आएगा, नेगेटिव भी आएगा और जीरो भी आएगा। तो बेसिकली जीरो का तो काफी सिंपल सा हो जाता है, अगर किसी भी नंबर में आप जीरो को जोड़ोगे या घटाओगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जीरो को गुना कर दोगे तो जीरो हो जाएगा। तो बेसिक हम लोग सीखते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स का, ठीक है। तो बेसिकली देखते हैं कि पूर्णांकों को जोड़ घटाओ गुना भाग कैसे करेंगे, ठीक है। तो पहला ऑपरेशन जो है हमारा मल्टीप्लीकेशन, तो सबसे पहले क्या सीखते हैं, मल्टीप्लीकेशन करना, गुना करना, ठीक है। अब इसका रूल सीखते हैं पहले, क्या क्या रूल्स हैं, तो याद करो जब मैं आपको क्लास में पढ़ा रहा था पहली बार, तो मल्टीप्लीकेशन को दो कैटेगरी में डिवाइड करके पढ़ाया था, सेम साइन एंड डिफरेंट साइन, याद है सभी को, या तो सेम साइन के होंगे या डिफरेंट साइन के होंगे, मतलब या तो दोनों ही पॉजिटिव होंगे या दोनों नेगेटिव होंगे, या एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होगा। तो इसको सीखते हैं डिटेल में, देखो रूल क्या क्या है, लिखा गया है पूर्णांकों का गुणन मतलब मल्टीप्लीकेशन ऑफ इंटीजर्स। पहला जो केस है हमारा, पहला केस है दो समान चिन्ह वाले पूर्णांकों का गुणन, मतलब मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू नंबर्स या टू इंटीजर्स विद सेम साइन, क्या बोल रहे हो, सेम साइन। सेकंड क्या है हमारा केस, सेकंड वाला जो है दो असमान चिन्ह, दो असमान चिन्ह कहने का मतलब क्या हुआ, मल्टीप्लीकेशन ऑफ इंटीजर्स मतलब दो पूर्णांकों को गुना करना जब उनका साइन अलग अलग हो यानी डिफरेंट हो, तो यानी डिफरेंट साइन की बातें करेंगे सेकंड वाले केस में। अब इसका क्या मतलब हुआ, आप बोलोगे सर कभी भी अगर दो सेम साइन वाले नंबर को मल्टीप्लाई करते हो तो आपका आंसर जो आता है फाइनल, वो आंसर हमेशा पॉजिटिव आएगा, ठीक है, क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। डिफरेंट साइन वाले को आप अगर मल्टीप्लाई करते हो तो आपका आंसर हमेशा नेगेटिव आएगा, ठीक है, सेम साइन के केस में पॉजिटिव, डिफरेंट साइन के केस में नेगेटिव, वही चीज यहाँ पर लिख भी रखी है। देखो क्या लिखा रहा है, दो समान चिन्ह वाले पूर्णांकों का गुणन करने पर धनात्मक पूर्णांक मिलता है मतलब पॉजिटिव मिलता है, और अलग अलग असमान वाले में ऋणात्मक मिलता है, ठीक है, इसको समझते हैं। देखो साइन का गुना करने का क्या रूल है, आप बोलोगे सर एक पॉजिटिव साइन प्लस का साइन दूसरे प्लस के साइन से अगर मल्टीप्लाई होता है
देखो बार बार ध्यान देना, बार बार मैं रिपीट कर रहा सर। हूँ, यहाँ पर गुना की बात की जा रही है, मल्टीप्लिकेशन की बात की जा रही है। तो आप बोलोगे सर जो भी ठीक आंसर आएगा वो पॉजिटिव ही आएगा, प्लस का साइन प्लस के साइन से गुना होकर के प्लस का साइन देता है। अगर मैं बोलू माइनस का साइन, एक माइनस के साइन से गुना होकर के क्या देगा बताइए? माइनस प्लस प्लस का साइन देगा। बोलोगे सर दो माइनस गुना होकर के भी प्लस ही देगा, क्यों? क्योंकि अभी बोला ना ऊपर सेम साइन में पॉजिटिव आता है, तो देखो दोनों ही नेगेटिव है मतलब सेम है। तो आप बोलोगे सर अगर दोनों ही नंबर के साइन अगर सेम है तो आपका आंसर हमेशा पॉजिटिव आने वाला है। दो पॉजिटिव गुना हुआ तो भी पॉजिटिव, दो नेगेटिव हुआ तो भी पॉजिटिव, प्लस 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 माइनस माइनस प्लस, क्लियर है? अब देखते हैं कि अगर हमारे पास अलग अलग चिन्ह क्यों, मतलब एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, अगर पहला नंबर हमारे पास पॉजिटिव हुआ और दूसरा नेगेटिव हुआ, एक को मैं ब्लू कलर से बना रहा हूँ एक को रेड कलर से, ताकि आपको पता चले दोनों अलग अलग साइन है, तो इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा? प्लस सर माइनस माइनस का ना। माइनस का बोलोगे सर यहाँ पर नेगेटिव आएगा, प्लस माइनस माइनस देगा, ठीक है? ये क्लियर हुआ? तो प्लस का साइन माइनस के साइन से गुना होकर के माइनस का देगा, क्योंकि डिफरेंट साइन है, रूल यही है, डिफरेंट साइन में नेगेटिव देगा। या मैं पहला को नेगेटिव कर लूँ दूसरे को पॉजिटिव कर लूँ, अभी गुना करूँ तो क्या मिलेगा? माइनस सर अभी भी माइनस हाँ अभी भी कह रहे हो सर डिफरेंट है, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव ही तो है, तो यहाँ पर आपको माइनस मिलेगा, ठीक है? नेगेटिव मिलेगा, क्लियर? तो अभी क्वेश्चन से समझिएगा, ठीक है? सर। अच्छा यहाँ पर एक चीज और ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर ये नहीं समझोगे तो फिर आगे जाकर आप गलती करोगे, अभी तो ठीक कर दोगे। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, आप दो नेगेटिव साइन को क्या कर रहे हो? गुना कर रहे हो, ठीक है? तो जब गुना होगा तभी ये पॉजिटिव होगा। दो नेगेटिव साइन कई बार आप देखो रफली, मैं भी कई बार बोल देता हूँ या कई बार आप किसी से भी सुनते हो कि दो नेगेटिव साइन मिलकर पॉजिटिव हो जाते हैं, तो ये जो मिलकर बोल रहा हूँ ना ये एक्चुअली गलत है। मैं भी कई बार बोल दूंगा कि दो नेगेटिव साइन मिलकर के पॉजिटिव हो गए, लेकिन वो मिलकर कहने का सेंस क्या बना रहा है? दो नेगेटिव साइन गुना होकर के प्लस हो रहा है, समझ में आया? तो दो नेगेटिव साइन गुना होगा तभी पॉजिटिव होगा, जोड़ घटाव में सर कुछ और होगा, ठीक है? चलिए, तो हो सकता है कि इसमें थोड़ी बहुत चीज डाउट हो आपका, तो अभी क्वेश्चन करेंगे तो सारी चीज क्लियर हो जाएगी, ठीक है? चलो, तो अभी मैं कुछ क्वेश्चन को यहाँ पर हाइड कर रहा हूँ, ठीक है, ताकि आप एक एक करके सभी चीजों को सीखो, ठीक है? चलो पहला वाला क्वेश्चन का आंसर मुझे बताइए, जो अभी पहला क्वेश्चन दिख रहा है आपको, 12 × 4 इसको करके बताइए। 84, 84 84 कैसे आएगा? 12 को 4 से गुना करना है, 48 48, ठीक है आएगा। ठीक है, हाँ 48 आएगा। तो आप बोलोगे अच्छा टेबल कहाँ तक याद है सभी को, बता सकते हो? 20 20 तक तो याद कर ही लो, 1 से 20 तक का टेबल याद रखो, और एक नंबर और मैंने बोला था 25 का भी याद रखो, ठीक है? 25 का भी टेबल याद रखना उतना ही इंपॉर्टेंट है। तो आप बोलोगे सर 12 को 4 से गुना करना है, इसमें कुछ भी नहीं आया, बहुत आसान है, पहला नंबर पॉजिटिव। अच्छा यहाँ पर देखो इसका आंसर तो मुझे पता है कि आप सभी लोग लिख रहे हो 48, सभी का आंसर सही है, किसी का भी आंसर गलत नहीं है, लेकिन इसमें भी मैं कुछ कुछ सीधे समझाना चाहता हूँ इसमें, ठीक है? समझिएगा एक एक छोटे छोटे कंसेप्ट को, क्यों 48 हो रहा है ये तो ठीक है, 48 आ गया। आप बोल सकते हो ना कि सर पहला वाला नंबर पॉजिटिव है, दूसरा नंबर भी पॉजिटिव है, मतलब दोनों ही के साइन क्या दिख रहे हैं? सेम दिख रहे हैं। तो सेम के केस में आपको पता है कि प्लस का साइन प्लस के साइन से जब गुना होता है तो आपका आंसर प्लस का ही मिलता है, तो 12 को 4 से गुना करोगे तब तो 48 मिलेगा ही, प्लस प्लस गुना होकर के प्लस देगा ही ना, तो आप बोलोगे सर आंसर हमारा 48 आएगा, ठीक है? अच्छा प्लस का 48 नहीं लिखते हैं, 48 ही लिखते हैं, साइन नहीं लिखते हैं अगर पॉजिटिव है तो, नेगेटिव के आगे साइन लिखते हैं, क्लियर? ये तो समझ में आ गया। यस चलिए अगला क्वेश्चन करिए, सर। अगेन यहाँ पर दो सेम साइन वाले ही नंबर दिख रहे हैं, सर 48 यहाँ पर आपको गुना करना है -12 × -4, अभी क्या करोगे? 48 आएगा इसमें भी सर। 48 ही आएगा, माइनस माइनस से फोर्टी एट माइनस नहीं आएगा क्या? कट माइनस नो फोर्टी सर एट नहीं माइनस आएगा, से माइनस कट हो जाएगी नो सर, वेरी क्योंकि गुड, सर इसमें दोनों सेम है साइन। ठीक है, वेरी गुड। आपने बोला सर यहाँ पर मैं 12 को 4 से गुना कर दूं, सबसे पहले नंबर को गुना कर दिया तो 12 को 4 से गुना करने पर तो 48 आएगा, लेकिन जब भी पूर्णांक को देखो, यहाँ बात किसकी हो रही, पूर्णांक यानी इंटीजर, तो इंटीजर पे कोई भी संक्रिया करोगे ना तो वहां पर सबसे इंपॉर्टेंट होता है साइन, आप क्या देते हो, चिन्ह क्या लगाते हो फाइनल आंसर में, तो चिन्ह के बिना आंसर नहीं करोगे। तो आप बोलोगे सर यहाँ पर क्या होगा, पहला वाला नंबर नेगेटिव है, ठीक है, यहाँ पर आंसर हमारा नेगेटिव है, सॉरी पहला वाला
नंबर नेगेटिव है, दूसरा वाला नंबर भी नेगेटिव है, क्योंकि 12 भी नेगेटिव, 4 के आगे भी माइनस का साइन है। दो नेगेटिव साइन को गुना करते हैं तो आप बोलोगे सर नेगेटिव नेगेटिव गुना होकर के पॉजिटिव दे देता है, तो आप बोलोगे सर माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो आंसर हमारा प्लस का 48 मिलेगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अच्छा प्लस का है तो साइन लगाने की कोई जरूरत नहीं है, है ना, जरूरी नहीं है मैं यहाँ पर प्लस का साइन लगाऊं, नहीं भी लगाऊं तो भी चलेगा, ठीक है। तो प्लस 48 लिखो या 48 लिखो, दोनों ही आंसर सही है, ठीक है, इतना क्लियर है। तो सेम साइन का केस ये भी था, दोनों ही सेम साइन के थे तो आंसर आपका पॉजिटिव आया, ठीक है। यस सर। ठीक है, अगला क्वेश्चन करिए। क्वेश्चन है यहाँ पर -12 × 4, -48। ठीक है, -48 देखते हैं। सभी लोग चैट में लिखो पहले, फिर मैं करता हूँ। सभी लोग चैट में लिखिए, तभी पता चलेगा कि आप कितना सही कर रहे हो कितना गलत कर रहे हो। -48 सभी का आंसर -48 है, ठीक है। तो यहाँ पर आप बोलोगे सर पहले मैं नंबर को गुना कर लूँ, 12 और 4 को गुना कर लिया, तो 12 और 4 को गुना किया तो आपका आंसर आ रहा है 48, ठीक है। उसके बाद बोलोगे सर साइन चिन्ह देखते हैं चिन्ह कैसा होगा, तो आप बोल दो सर पहला वाला नंबर जो है ये माइनस का है, नेगेटिव नंबर है, दूसरा वाला जो नंबर है ये बोल दो सर ये तो पॉजिटिव नंबर है ना, प्लस का नंबर है, मतलब अलग अलग साइन दिख रहा है ना, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, तो एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, इसको आप अगर गुना करोगे तो मल्टीप्लाई करने पर के बाद नेगेटिव साइन पॉजिटिव साइन के साथ गुना होकर के नेगेटिव का साइन देता है, अलग अलग साइन है, तो असमान चिन्ह के केस में आपका आंसर नेगेटिव आता है, ठीक है। तो बोलोगे सर माइनस का 48 आएगा, क्लियर है, तो आंसर क्या आएगा -48 जो सभी लोग लिख रहे थे। अगला क्वेश्चन है 12 × -4, 12 को -4 से अगर गुना करोगे तो कितना मिलेगा, -48। अगेन -48, वेरी गुड। तो आप बोलोगे सर पहला नंबर इस बार बिल्कुल उल्टा हो गया, पहला नंबर प्लस का है दूसरा नंबर माइनस का है, स्टिल हमें सेम चीज दिख रहा है कि अलग अलग साइन के हैं, मतलब डिफरेंट साइन के नंबर दिख रहे हैं, तो अलग अलग के केस में आपको नेगेटिव बोला गया, तो प्लस माइनस गुना होकर के माइनस देगा, तो आप बोलोगे सर माइनस आंसर आएगा 48, ठीक है। तो नंबर को गुना कर लिया और साइन को गुना कर लिया, पहले नंबर को गुना कर लिया फिर साइन को गुना कर लिया, क्लियर है, इतना इतना क्लियर है। यस सर। इसमें देखो एक चीज और समझते हैं, ये वाला जो उदाहरण था हमारा -12 × -4 वाला, इसको एक तरीके से और सीखते हैं, -12 × -4, इसका आंसर तो आपको पता है, अभी अभी मैंने सॉल्व किया, आंसर सभी का सही था, फिर भी यहाँ एक और नया तरीका देखो, मतलब तरीका वही है बस लिखने का तरीका थोड़ा अलग होगा। देखो दो माइनस साइन जब भी टकराएगा मतलब गुना होगा, तो दो माइनस के साइन गुना होकर के प्लस बन जाते हैं, तो इसको जनरली कई बार हम लोग इस तरीके से लिखते हैं कि दो माइनस अगर हमारे सामने दिख रहा है और बीच में गुना है तो उसको आप क्या करते हो, माइनस से माइनस को कैंसिल कर देते हो, तो क्या कर रहा हूँ माइनस से माइनस को कैंसिल कर रहा हूँ, माइनस का क्या कर रहा हूँ जोड़ा बना रहा हूँ और दो माइनस को कैंसिल कर दे रहा हूँ, कैंसिल करने का मतलब क्या हुआ, दो माइनस मिलकर के पॉजिटिव बन गया, क्लियर हुआ ये चीज, दो माइनस कैंसिल हो गया मतलब पॉजिटिव हो गया, तो इसको आप ऐसे बहुत आसानी से कर सकते हो सर ये भी नेगेटिव ये भी नेगेटिव, तो माइनस से माइनस हमारा कैंसिल हो गया, अब यहाँ पर देखो सारे माइनस कैंसिल हो गए ना, इसको आप लिख सकते हो 12 और इसको लिख सकते हो 4 और बीच में गुना है, तो सीधे सीधे आंसर 48 आ जाएगा, अगर सारे माइनस कैंसिल हो गए तो आपका आंसर पॉजिटिव आ जाएगा, क्लियर है ये, बताइए। अगर मैं इसको यस सर। ठीक है, मैं यहाँ पर क्वेश्चन देखो थोड़ा दे रहा हूँ, क्वेश्चन yes, आपके सामने, मान लो जरूरी नहीं है कि हमेशा आपको दो ही नंबर, अच्छा ठीक है, अभी चैट में लिखा करो, ठीक है, अभी मैं कह रहा हूँ कि अगर दो से अधिक नंबर आ जाए आपके पास, जैसे मैं यहाँ लिख रहा हूँ -5 × -2 × -1, देखो यहाँ पर कितने नंबर दिख रहे हैं, तीन नंबर दिख रहे हैं और तीनों ही नेगेटिव है, या मैं यहाँ पर और नंबर दे रहा हूँ माइनस, यहाँ पर 4 लिख दिया, ठीक है, 4 नंबर है इसमें से 3 नेगेटिव है। अब देखो यहाँ पर मैं कुछ ब्रैकेट लगा दे रहा हूँ क्योंकि दो साइन एक साथ कभी नहीं लिखते, ठीक, देखो एक दो काफी सारे तरीके हैं इसका, सबसे आसान तरीका क्या है, सबसे आसान तरीका है माइनस साइन का जोड़ा बनाइए, दो माइनस को मिलाकर आप कैंसिल कर दो, उसके बाद सॉल्व कर दो, तो आप बोलो सर ये वाला 5 के आगे एक माइनस दिख रहा है, 2 के आगे माइनस दिख रहा है, मैं क्या ये माइनस से इस माइनस को कैंसिल कर सकता हूँ, दो माइनस माइनस कैंसिल हो गया, जोड़ा बन गया कैंसिल हो गया, कैंसिल हो गया मतलब वो हट गया पॉजिटिव बन गया। अब यहाँ पर एक माइनस, मुझे बताइए जो एक के आगे माइनस है इसका कोई जोड़ा दिख रहा है आपको,
एक के आगे जो माइनस है इसको कैंसिल करने के लिए कोई जोड़ा है, हाँ या ना? आप बोलोगे नो, ठीक है, इसका कोई भी जोड़ा नहीं दिख रहा, तो ये माइनस हमारा रिमेनिंग रह गया, बच गया। तो माइनस अगर बच गया तो आपका जो आंसर आने वाला है वो माइनस का ही आएगा, वो आंसर नेगेटिव आएगा, क्योंकि माइनस एक बच गया हमारा। बाकी सभी नंबर को आप गुना करके लिख दो, 5 into 2। अच्छा इसको ऐसे लिख लो आप, ठीक है, इसको आप ऐसे लिख सकते हो। सर इसको लिख दिया मैं 5, माइनस कट गया यहाँ पर 2, इस वाले पॉजिटिव को मैं पहले लिख दिया 4 और यहाँ पर -1, ठीक है। अभी आवाज आ रही है सभी को? तो आप बोलोगे सर इसको गुना कर दिया 5 into 2 10, 10 into 4 40, तो यहाँ पर लिखा 40 into -1, तो आप बोलोगे सर आंसर हमारा माइनस का 40 आएगा। आपने पहले ही डिसाइड कर लिया था कि माइनस साइन था, तो आपका आंसर तो नेगेटिव ही आने वाला है, ठीक है, आपका आंसर नेगेटिव आने वाला था, ठीक है। चलिए अभी मैं क्वेश्चन और थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ। क्वेश्चन में लिख दिया -5 into -4 into -2 into -3, इसको सॉल्व कीजिए। चारों नंबर नेगेटिव है हमारे पास, सर 120 पॉजिटिव या नेगेटिव? सर 120 पॉजिटिव पॉजिटिव, ठीक है। देखो आप ऐसे कर सकते हो, देखो इसका रूल तो काफी सारा है। आप बोलोगे सर इस माइनस, इस वाले माइनस से मैं इस वाले माइनस को कैंसिल कर रहा हूँ, ठीक है, ये माइनस से माइनस हमारा कैंसिल हो गया, ये वाला जो माइनस है इस वाले माइनस से कैंसिल हो जाएगा, मतलब 2 के आगे जो माइनस है और 3 के जो आगे माइनस है, ये माइनस से माइनस हमारा कैंसिल हो गया, ठीक है। तो ये माइनस सारे माइनस, अब बताओ यहाँ पर एक भी माइनस आपको बचा हुआ दिख रहा है क्या? नो सर। तो आप बोलोगे सर सारे जो माइनस के साइन थे वो कैंसिल हो चुके हैं, मतलब सारे माइनस अगर कैंसिल हो गए हैं तो आपका आंसर कैसा आएगा? आपका आंसर पॉजिटिव आने वाला है। तो आप बोलोगे सर यहाँ पर सीधे लिख दो 5 into 4 into 2 into 3, सारे माइनस कैंसिल हो चुके हैं, 5 को 4 से गुना करोगे 5 4 20, 2 को 3 से गुना करोगे 3 2 6, 20 into 6 करोगे 120, पॉजिटिव का हमारा आंसर आएगा, इसमें नेगेटिव नहीं आएगा। पहले हम लोगों ने साइन ही डिसाइड कर लिया था कि आंसर हमारा पॉजिटिव ही आने वाला है, ठीक है। चलो इसको, यस सर, ठीक है, इसको एक और तरीका से, मतलब तरीका कुछ भी अलग नहीं होता, भले ही आप अलग अलग जैसा सॉल्व कर सकते हो, देखो ऐसे भी कर सकते हैं हम लोग, जो भी आपको सही लगे। चलो मुझे इतना बताइए, आप ऐसे भी कर सकते हो ना सर, 2 नेगेटिव को गुना करेंगे तो 2 नेगेटिव मिलकर के पॉजिटिव हो जाएगा, तो 5 को 4 से गुना किया 20 मिला, और माइनस माइनस साइन माइनस को माइनस से गुना करके पॉजिटिव मिलता है, तो ये 20 लिखा। फिर आप बोलोगे सर इस माइनस को इस माइनस से गुना किया तो पॉजिटिव हो गया, और 2 को 3 से गुना किया तो आपको 6 मिला, और 20 को 6 से गुना किया तो आपको 120 मिला। तो हो तो सेम चीज रहा है, कुछ अलग चीज तो हो नहीं रहा है ना, बस तो लिखने का तरीका अलग हो गया है ना। तो बेटर कौन सा है, आप माइनस से माइनस को जोड़ा बनाकर कैंसिल कर देना, ठीक है। चलिए तो अभी मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, इस क्वेश्चन को करिए, पहले सिर्फ और सिर्फ पहला क्वेश्चन को करिए आप। सर -30, ठीक है, -30 सॉल्व कीजिए सभी लोग। जो भी आंसर आ रहा है चैट में लिख दीजिए, ठीक है। -30, काफी सारे आंसर मुझे दिख रहे हैं -30 चलो ठीक है, इसको मैं सॉल्व कर रहा हूँ। यहाँ -2 -30 इंटू, अच्छा ठीक है, अभी सभी लोग माइक बंद रखिएगा, -5 -2 -3 -5। मुझे इतना बताओ कि मैं क्या इस माइनस से इस माइनस को कैंसिल कर सकता हूँ? यस सर, ठीक है, 2 माइनस कैंसिल हो गया सर। उसके बाद आप बताओ कि 1 माइनस आपका दिख रहा है बचा हुआ यहाँ पर, ये माइनस कैंसिल नहीं होगा, ठीक है, ये माइनस हमारा बच गया। अब यहाँ पर क्या करोगे, 2 को 3 से गुना करोगे, क्योंकि आपको पता है यहाँ पर माइनस कैंसिल हो गए, तो ये बचा हमारे पास 2, ये बचा हमारे पास 3, और ये बचा हमारे पास -5।
एक माइनस बच गया, तो आप बताओ कि आपका आंसर नेगेटिव आएगा कि पॉजिटिव आएगा। आप बोलोगे सर एक माइनस बच गया, तो पहले तो हमने ये डिसाइड कर लिया कि माइनस आएगा, नेगेटिव आएगा, पॉजिटिव तो आ ही नहीं सकता, ठीक है। तो आप बोलोगे सर यहाँ पर माइनस लिख दिया, दो और तीन को गुना किया छः आया, छः को पाँच से गुना किया 30 आया, या ऐसे भी कर सकते हो, इसमें कोई बड़ी बात है नहीं। आप इसको ऐसे लिख सकते हो, 2 × 3 क्या 6 आया, 6 में माइनस 5 से गुना करोगे, 6 में माइनस 5 से गुना करोगे आपको 30 लिखोगे, और माइनस साइन के कारण माइनस 30 लिखोगे। क्लियर ये? यस सर, अगला क्वेश्चन, अगला यस क्वेश्चन करिए, अगला क्वेश्चन कीजिए। −1 × −8 × 3 × 4, दो माइनस के नंबर है यहाँ पर, नंबर तो टोटल चार हैं, लेकिन दो नंबर यहाँ पर नेगेटिव दिख रहे हैं, −1 और माइनस है। −1 × −8 × हाँ बताइए, 96। देखते हैं क्या आंसर आएगा। देखो यहाँ पर क्या, सर मेरा भी ठीक है सर, 96। अच्छा ठीक है, अभी चैट सेक्शन में लिखिए। देखो बस क्या हो रही है, क्लास डिस्टर्ब हो रही है इसलिए बोल रहा हूँ, ऐसे आंसर सभी के सही रहे, वेरी गुड, ठीक है। क्योंकि कई बार अगर सभी बच्चे बोलने लगोगे तो क्या होगा, फिर सभी को आवाज गूंजेगी, ठीक है। तो क्लास एक तरीके से डिस्टर्ब हो रही है इसलिए बोल रहा हूँ, ऐसे आंसर सभी के सही थे, ठीक है। तो यहाँ पर आप बोलोगे सर दो नेगेटिव नंबर दिख रहा है, तो इन दोनों नेगेटिव में क्या इस माइनस से माइनस कैंसिल नहीं कर सकते? बिल्कुल कैंसिल हो जाएगा, दो माइनस मिलकर के माइनस का जोड़ा बना लिया, जोड़ा बनाया कैंसिल हो गया। अब आपको दिख रहा है कि सारे माइनस कैंसिल हो गए, तो जितने भी यहाँ पर माइनस थे सारे माइनस कैंसिल हो चुके हैं। तो आप बोलोगे सर यहाँ पर लिखा 1 × 8 × 3 × 4, इसको गुना कीजिए, तो 1 को 8 से गुना करोगे तो 8 ही मिलेगा, 4 को 3 से गुना करोगे तो आपको 12 मिलेगा, और 12 को 8 से गुना करने पर 96 मिल रहा है, ठीक है। 12 × 8 = 96, 12 × 8 = 96, पॉजिटिव आएगा क्योंकि पहले ही डिसाइड कर लिया था कि इसका आंसर तो पॉजिटिव ही आने वाला है, ठीक है, क्लियर है। अभी देखो मैं कुछ क्वेश्चन और दे रहा हूँ, ठीक है, ये तो बस सॉल्यूशन हो गया लास्ट वाले क्वेश्चन का, ठीक है। यहाँ मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, क्वेश्चन है आपके सामने, −3 × −2 × −4 × −6, इसको करके बताइए। इसको करके बताओ, −3 × −2 × −4 × −6, 144। आप बोल रहे थे, यहां पर ऐसा समझ लीजिएगा, 144, ठीक है। यहां पर ना पहले आप डिसाइड ही कर लो कि आपका आंसर पॉजिटिव आने वाला है कि आपका आंसर नेगेटिव आने वाला है। तो आप बोलोगे सर इस माइनस से माइनस कैंसिल हुआ, इस वाले माइनस से ये माइनस कैंसिल हुआ, सारे माइनस कैंसिल हो गए हैं, तो हमारा आंसर पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव नहीं आएगा। इतना डिसाइड कर लिया कि पहले तो डिसाइड कर लिया सारे पॉजिटिव आने वाला है। अब इसको गुना कर दीजिए, 3 × 2 × 6 × 3 × 2 × 4 × 6, तो 3 को 2 से गुना किया 6, 4 को 6 से गुना किया 24, और 24 को 6 से गुना करोगे तो 144 आंसर आ जाएगा, ठीक है, क्लियर है। अगर मैं इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज कर दूं, मैं लिख दूं यहां पर −3 × −2 × −4 × −6 × −1, अभी बताइए क्या करोगे सर? −144। −144 ऐसा क्यों आया? क्योंकि आप बोल रहे हो सर ये वाला माइनस तो इस वाले माइनस से कैंसिल हो जाएगा, दो माइनस का जोड़ा बन गया, ये वाला माइनस इस वाले माइनस से कैंसिल हो गया, जोड़ा बन गया, लेकिन यहाँ पर एक माइनस आपको बचता हुआ दिख रहा है ना, ये वाला माइनस का कोई भी जोड़ा नहीं बन रहा, तो ये माइनस हमारा बच गया, तो सारे माइनस कैंसिल नहीं हुए हैं, तो इसका आंसर आप ये सोच पा रहे हो क्या कि इसका जो आंसर आएगा हमारा नेगेटिव ही आने वाला है? पहले मैंने क्या किया, साइन ही डिसाइड कर लिया कि आंसर तो मेरा नेगेटिव आने वाला है, तो पॉजिटिव आंसर तो कभी हो ही नहीं सकता, तो इसका आंसर नेगेटिव आएगा। उसके बाद आप बोलोगे सर इसको, अच्छा आंसर आएगा कैसे नेगेटिव, तो इसको आप 3 × 2 × 4 × 6 सभी को मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर तो अभी आया था 144,
उसमें माइनस वन से गुना करना है, तो आपका आंसर आ जाएगा माइनस 144। क्लियर? पहले साइन डिसाइड कर लिया, फिर क्वेश्चन कर लिया, ठीक है। तो अभी आपके सामने क्वेश्चन दिख रहा है, ट्राई कीजिए। पहला क्वेश्चन पूर्णांकों पर संक्रिया का, क्वेश्चन क्या है? वेरी इजी सा क्वेश्चन है। माइनस 12 को 9 से गुना करना है। कम से कम टेबल आपको सही पढ़ना है, टेबल 12 का याद है, 12 नमा देखिए कितना होता है। और आपको डिसाइड करना है यहां पर साइन, साइन कैसा आएगा, पॉजिटिव या नेगेटिव, प्लस का या माइनस का। बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है कि आप लोग सभी आंसर सही करो, अपना परफॉर्मेंस को सही कर सकते हो। बहुत ही बेसिक माइनस 108। अच्छा, बिजेंदर कुंदू के नाम से जो बच्चे, आपकी ये पहली क्लास है क्या? यस सर। अच्छा, पहली क्लास है तो कोई बात नहीं, मैं आपको रूल बता देता हूँ। कभी भी ना माइक ऑन करके आंसर नहीं बताना है, पोल में आंसर देना है। पोल के बारे में आपको पता है कि पोल में कैसे आंसर करते हैं? नो सर। देखो नीचे आप देखो, एक पंजे का निशान दिख रहा है? यस सर। उसके बगल में तीन डॉट दिख रहे हैं? यस सर। तीन डॉट पर आप क्लिक करो, क्लिक किया? यस सर। एक एक्टिविटी का ऑप्शन दिख रहा है, एक्टिविटी पे क्लिक कीजिए। वहां पर वन पोल एक्टिव दिख रहा है लिखा हुआ? यस सर। वन पोल एक्टिव पे क्लिक कीजिए। क्वेश्चन दिख रहा होगा, चार ऑप्शन दिख रहे हैं। अच्छा वही समझा रहा हूँ कि अभी माइक ऑन करके आंसर नहीं देना है, ठीक है? तो पोल सेक्शन समझा रहा था, जो भी आंसर सही लग रहा है उस पर क्लिक करके वोट कर दो। नीचे में वोट होगा, वोट पर क्लिक करोगे तो वोटेड लिखा हुआ आएगा। वोटेड लिखा हुआ है, इसका मतलब आपका आंसर सबमिट हो चुका है। सर आप सब सारे रूल समझा दो ना। क्या बोल रहे हो साक्षी, फिर से बताइए। सर आप सबको सारे रूल समझा दो, आज बहुत बच्चे नहीं आए। बहुत बच्चे नहीं आए तो सभी लोग रुक जाना एक बार क्लास के एंड में, क्योंकि अभी क्वेश्चन कर लेते हैं। क्लास के एंड में सभी लोग रुक जाना, जो भी नए बच्चे हो सभी को रूल सारी समझा दूंगा, क्या क्या रूल्स है क्लास की। पहला रूल ये है कि माइक बंद रखना है। हाँ, डाउट पूछने के लिए माइक ऑन कर सकते हो। दूसरा ये है कि कभी भी माइक ऑन करके आंसर नहीं बताना है, पोल में आंसर देना है। पोल एंड होने के बाद चैट में आंसर लिख सकते हो। तो अभी 10 सेकंड रुकते हैं, 10 सेकंड और, 10 सेकंड और है, आंसर कीजिए। फाइव सेकंड, फाइव फोर थ्री टू वन। चलिए इसको मैं एंड कर रहा हूं, और यहां पर मुझे एक भी आंसर गलत नहीं दिख रहा है। तो जितने बच्चों का आंसर आया सभी का सही आया है, तो वेरी गुड। और आसान सा क्वेश्चन था। आप बोलोगे सर इसमें तो कुछ भी नहीं है, माइनस 12 इंटू 9 करना है, तो 12 को 9 से गुना करेंगे तो 12 इंटू 9 तो 108 आएगा, ठीक है? तो आंसर हमारा 108 नहीं होगा। आप बोलोगे सर यहाँ पर मुझे क्या दिख रहा है, एक नंबर नेगेटिव एक नंबर पॉजिटिव, मतलब डिफरेंट साइन का दिख रहे हैं। डिफरेंट साइन के केस में क्या होता है, नेगेटिव आंसर आता है, मतलब एक नेगेटिव एक पॉजिटिव से जब गुना होगा तो आपका आंसर नेगेटिव आने वाला है। तो आप बोलोगे सर माइनस का 108 आएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है? इतना क्लियर? ऐसे सभी का सही था, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन कीजिए, अगर ये क्लियर है तो ये वाला क्वेश्चन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 18 है, क्वेश्चन मैं लिख दे रहा हूं। क्वेश्चन है माइनस 7 इंटू माइनस 5 इंटू माइनस 2 इंटू माइनस 1, इन चारों नंबर को गुना करना है। चारों ही कैसे हैं, चारों ही नेगेटिव है। तो पहले तो आप माइनस माइनस का जोड़ा बना के डिसाइड कर लो कि आपका आंसर जो होगा फाइनल वो पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा। कुछ बोल रहे हो क्या जैकी के नाम से जो बच्चे हो? देखो पहले तो माइक बंद रखिए, अगर कोई डाउट नहीं है तो, अगर कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो, आंसर बिल्कुल नहीं बताना है चैट या पोल माइक ऑन करके। देखो क्लास में सबसे इंपॉर्टेंट होता है डिसिप्लिन मेंटेन करना, तो ये भी एक आपका एक ऑनलाइन क्लासरूम है, तो क्लासरूम में आप जिस तरीके से स्कूल में आप डिसिप्लिन मेंटेन करते हो, तो ऑनलाइन क्लास में भी आपको डिसिप्लिन मेंटेन करना होगा।
अदरवाइज सही से क्लास आपकी नहीं चल पाएगी, सभी लोग सीख नहीं पाओगे। तो माइनस सेवन इंटू माइनस फाइव इंटू माइनस टू इंटू माइनस वन, आंसर कीजिए। अच्छा यहां पर मुझे एक आंसर गलत दिख रहा है और अभी दो आंसर गलत दिख रहा है, देखो टेबल तो आपको सही सही पढ़ना होगा, बेसिक कैलकुलेशन तो सही कीजिए क्योंकि जोड़ घटाओ गुना भाग इतना तो आप कर ही सकते हो, काफी बार हम लोग प्रैक्टिस कर चुके हैं और ये सारे क्लास करवाने का मकसद भी है कि आपका बेसिक कैलकुलेशन सही होना चाहिए, ठीक है। माइनस सेवन इंटू माइनस फाइव इंटू माइनस टू इंटू माइनस वन, चारों नंबर नेगेटिव है। चलिए तो अभी मैं 15 सेकंड और दे रहा हूँ, 15 सेकंड में आंसर कीजिए। अभी भी मुझे दिख रहे हो चार बच्चे हो जिसका आंसर नहीं आया है, तो बैठे बिल्कुल नहीं रहना है, देखो तो बैठे रहोगे तो आप कभी सीख नहीं पाओगे ना, सही करो या गलत करो बट आंसर करो। 10 सेकंड, 5 सेकंड, 5 4 3 2 1। अभी मैं पोल को एंड कर रहा हूं, अगर किसी भी रीजन से लिखे जाता है क्या बोल रहे हो? हाँ फिर से बोलिए सर, इसमें मैसेज कैसे लिखा जाता है? अच्छा मैसेज कैसे लिखा जाता है, अगेन आपको मैसेज करने के लिए तीन, पहले माइक ऑन कर लो आप, जैकी के नाम से जो बच्चे हो, नाम क्या है आपका? मनीषा सर। मनीषा, मनीषा आप ध्यान दो, आप देखो नीचे में आपको दाएं तरफ तीन बिंदु दिख रहे हैं। यस सर। तीन डॉट पे क्लिक करो, इन कॉल मैसेज का एक ऑप्शन दिख रहा है। यस सर। इन कॉल मैसेज पे जाओ और अभी तो अपना नाम लिख दो पहले, तब मुझे समझ में आ जाएगा कि आपको चैट में लिखने आ गया, ठीक है। इन कॉल मैसेज पे क्लिक करना है, वहां पर आपको एक व्हाट्सएप पे जैसा चैट बॉक्स खुलेगा, ठीक है। अभी आ गया तो अभी आप आंसर लिख दो अपना, ठीक है। और क्लास के एंड में रुक जरूर जाना, ठीक है, सारे रूल बता दूंगा, ठीक है। चलो अब इसको मैं गुना कर रहा हूँ, आप बोलोगे सर इस माइनस को इस माइनस से कैंसिल कर सकते हैं, बिल्कुल, इस माइनस से माइनस को कैंसिल कर दिया, इस माइनस को इस माइनस से कैंसिल कर दिया। अब यहां से मुझे बताओ, ये देखकर आपको पता चल रहा है कि इसका आंसर जो आएगा पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा? पॉजिटिव। अब साफ दिख रहा है कि सारे माइनस कैंसिल हो गए, सारे माइनस कैंसिल हो गए तो आंसर पॉजिटिव आने वाला है, तो यहां से साफ दिख रहा है ना कि ऑप्शन बी तो हो ही नहीं सकता, ऑप्शन सी तो हो ही नहीं सकता, ऑप्शन ए हो सकता है या ऑप्शन डी हो सकता है, मतलब बी और सी तो नेगेटिव था तो ऑप्शन बी और सी तो कभी नहीं होगा, ठीक है। अब देखते हैं ए होगा कि डी होगा, अब मल्टीप्लाई कर दीजिए, 7 × 5 × 2 × 1। अच्छा 1 को हम छोड़ भी सकते हैं क्योंकि 1 से गुना करके कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो आप बोलोगे सर 7 × 5 × 2 10 होगा, तो 7 को 10 से गुना करोगे 70 मिलेगा, 35 नहीं मिलेगा, ठीक है। तो आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए दिख रहा है, क्लियर है? यस सर। चलो तो अगला क्वेश्चन करते हैं, अगर ये क्लियर है। यहाँ पर क्वेश्चन है, तीन नंबर है, तीनों ही नेगेटिव है और इनको बोला जा रहा है कि आप मल्टीप्लाई करो। अच्छा मनीषा आप अभी चैट में कुछ भी लिख नहीं पाओगे क्योंकि अभी चैट को मैंने बंद कर दिया है, तो अभी पोल में आंसर करना है। पोल में आंसर करने के लिए भी मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ एक बार, पोल में भी आंसर करने के लिए आप उसी तीन डॉट पर क्लिक करोगे, तीन डॉट पर क्लिक करने के बाद एक्टिविटी पे क्लिक करोगे, इस बार इन कॉल मैसेज पे नहीं क्लिक करना, लास्ट में एक ऑप्शन देखो कुछ इस प्रकार का होगा, उस पर क्लिक करोगे, उसके बाद वन पोल एक्टिव लिखा हुआ कुछ आएगा, उस पर क्लिक करने के बाद ए बी सी डी में जो भी आंसर सही लग रहे हैं क्लिक करके वोट कर दोगे, ठीक है। इतना आपको करना होगा आंसर करने के लिए, माइक नहीं ऑन करना है, हाँ कुछ डाउट है तो माइक ऑन कर सकते हो। देखो यहाँ पर दो चीजें हैं, पहले साइन डिसाइड कर लो कि आपका आंसर पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा, उसके बाद नंबर को मल्टीप्लाई कीजिए, तो नंबर के मल्टीप्लीकेशन में गलती नहीं करना है, साइन में गलती नहीं करना है, आपका आंसर बिल्कुल सही आ जाएगा। ठीक है, माइनस 11 इंटू माइनस 5 इंटू माइनस 3, अच्छा मैं क्वेश्चन लिख दूं क्या अगर आपको क्लियर नहीं दिख रही हो, माइनस 11 इंटू माइनस 5 इंटू
माइनस तीन। और देखो दो साइन कभी भी एक साथ नहीं लिखा जाता, इसलिए सेपरेट करने के लिए हम ब्रैकेट का यूज करते हैं। ठीक है, तो दो आंसर गलत दिख रहे हैं और बाकी सभी आंसर सही दिख रहे हैं। और चार बच्चों का आंसर अभी नहीं आया है, तो 15 सेकंड रुकते हैं, 15 सेकंड में हो जाना चाहिए। स्टिल अगर समय चाहिए तो बता दिया करो। टेन सेकंड और, तो अभी ज्यादा समय नहीं है, 10 सेकंड है, दो बच्चे और, 5 सेकंड और, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए अब मैं पोल को एंड कर रहा हूं और इसको समझिए। अच्छा यहां पर मुझे तीन बच्चों का आंसर गलत दिख रहा है, ठीक है, फाइनली तीन बच्चों का आंसर गलत था, बाकी सभी का सही था। अब देखो क्या क्या गलतियां हैं, गलतियां भी सीखो, समझ में आ जाएगा सारा चीज, कोई बात नहीं, अगर गलती भी होगी तो कोई दिक्कत नहीं है, समझ लेते हैं। पहले मुझे ये डिसाइड करके बताओ कि इसका जो आंसर आएगा फाइनल, या पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा? सर नेगेटिव। नेगेटिव आएगा। कैसे किया? क्योंकि मुझे दिख रहा है कि दो माइनस का साइन दिख रहा है, ये दोनों माइनस तो कैंसिल हो गए, जोड़ा बन गया, एक माइनस हमारा रिमेनिंग रह गया, बच गया। अगर एक माइनस साइन बचा हुआ रह गया, इसका मतलब आंसर हमारा नेगेटिव आने वाला है। अब नेगेटिव आने वाला है, इसका मतलब ऑप्शन ए तो हो ही नहीं सकता, ऑप्शन डी तो हो ही नहीं सकता, मतलब या तो ऑप्शन बी होगा या ऑप्शन नंबर सी होगा। तो दो बच्चे का आंसर मुझे दिख रहा था ऑप्शन नंबर ए, तो उनको समझ में आ गया कि क्यों नहीं होगा, ये तो कभी नहीं हो सकता, नेगेटिव आंसर आने वाला है, पॉजिटिव तो होगा ही नहीं, है ना, एक माइनस साइन बच गया तो ये तो नहीं होने वाला, डी भी नहीं होगा। अब बी या सी में, तो बी या सी में दोनों ही में माइनस है, अब दोनों ही में माइनस है तो कौन सा आंसर करेंगे, मतलब मल्टीप्लीकेशन कर लो सही सही, ठीक है। तो सही सही अगर मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर आप बोलोगे सर 11 को 5 से गुना करेंगे तो 55 मिलेगा, ठीक है, और यहाँ पर गुना करना है माइनस 3 से, तो 55 और माइनस 3 को गुना करोगे तो माइनस का साइन लगा दोगे, पहले डिसाइडेड है कि माइनस आंसर आने वाला है, पॉजिटिव तो आएगा नहीं, प्लस का साइन माइनस से गुना करेंगे माइनस आएगा। 55 को 3 से गुना करके काफी लोग 155 लिख दिए हो, काफी नहीं, एक ही आप दो बच्चे लिखे थे, तो सॉरी 55 तो 3 से आप गुना करोगे क्या मिलेगा, 5 या 15 का 5 लिखोगे, एक हासिल रहेगा ना, एक हासिल आ जाएगा। तो आप बोलोगे सर 5 या 15 और 1 16, इसको जोड़ना नहीं भूलना है, तो 165 आएगा, ठीक है, तो यहाँ पर लिखोगे 165। तो जो भी बच्चे का आंसर ऑप्शन बी था, तो आपने साइन तो सही चुन लिया लेकिन आपने मल्टीप्लीकेशन में थोड़ी सी गलती कर दी, ठीक है, तो ऑप्शन बी भी गलती होगा, ऑप्शन नंबर सी सही है, क्लियर है, 55 को 3 से गुना कर, इतना क्लियर है? ठीक है, अगर इतना सारा चीज क्लियर है तो आज की क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं, इसके आगे अगले क्लास में करते हैं। पोल का रिजल्ट दिखाई दे रहे हैं, पोल का रिजल्ट,